अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज मेरे खसूसी मेहमान हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर एनर्जी। मैं तो आज ये हैरान परेशान हो गई रादर देख के कि कितनी खैर इनके अंदर भी एनर्जी है। इधर से उधर भाग दौड़, इस्लामाबाद से आते हैं, फिर मीटिंग पे जाते हैं, फिर पूरा दिन हमारे साथ गुजारते हैं। सो मच टू डू इन सच लिटल टाइम। डॉक्टर साहब सलामकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। वैसे तो आप तवनाई के मिनिस्टर, मैं आपकी तवनाई का राज पूछना चाह रही थी। देखें जी, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी हुई है, हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ने मौका दिया है तो हम कुछ परफॉर्म करके दिखाएं लोगों को और मुल्क और कौम के लिए कुछ करके। वैसे तो आपका मुल्तान से ताल्लुक है। जी बिल्कुल। तो ज्यादा जिंदगी मुल्तान में की थी या फिर इस्लामाबाद, लाहौर, कहाँ पे? ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि हमारे दफ्तर के जो काम है उनमें गुजरता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी प्रेजेंस वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो मैं कोशिश करता हूँ जो वीक डेज होते हैं वो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ स्पेंड करूँ और उनकी खुशी गमी में शामिल हूँ और उनके जो मसले मसाइल हैं वो भी सुनूँ। तो ये इट इज काइंड ऑफ डुअल जॉब, आप डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी भी संभाल रहे हैं। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिल तो नहीं लगता होगा, खास इस्लामाबाद की हवाओं के और नज़ारों के मजे लेते हुए? नहीं, मेरे ख्याल जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिल नहीं लगता ना, फिर वो उनको उनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो भी दिल नहीं लगाते वो अगली दफा उनको फारे कर देते हैं। मेरा तो 20 साल से मेरी रूटीन है, मैं वीक डेज जो है ना, वीक एंड जो 3 दिन होते हैं वो मैं हल्के में गुजर रहा था। अच्छा, हल्के की सियासत जो होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आप ग्रास रूट से अपनी हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। और जो लोग, जैसे आपने बड़ा बिल्कुल ठीक फरमाया, जो हल्के की सियासत से दूर हो जाते हैं वो सियासत से भी दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप इस हल्के की सियासत में आए कैसे? ये मैं समझता हूँ थोड़ी लंबी स्टोरी है। मैं तो एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं तो प्रोफेशन ज्वाइन किया, फिर हॉस्पिटल बनाया, इवन कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुल्क से बाहर भी जा रहा था। कोई ऐसे हालात पैदा हो गए कि मुझे वहाँ पे मुल्तान में स्टे करना पड़ा। हमारा डेरा शेरा तो पहले भी चलता था बुज़ुर्गों के ज़माने में, तो अनलकीली मेरे वाले साहब की डेथ जो है वो मतलब बड़ी अर्ली हो गई थी। तो जब मैंने दोबारा बैठना शुरू किया तो वो सिलसिला जो तल्लुकात वाला था वो बहाल हो गया। फिर वहाँ जब बैठे तो लोगों ने कहा कि जी आप काम तो करते रहते हैं, चलो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जाएं। तो फिर मैंने प्रैक्टिकली वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है वहाँ से स्टार्ट किया। और उम्र क्या थी आपकी तकरीबन? मेरी उस वक्त स्टूडेंट थे आप? जी, मैं डॉक्टर बन चुका था। अच्छा, आप डॉक्टर? हाँ जी, डॉक्टर बन चुका था, मेरे ख्याल 29 के करीब हो गए थे। तो मैं रिलेटिवली यंग। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वहाँ पे मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, फिर यूनियन के नाजम बने, फिर मैं सिटी नायब सिटी नाजम का इलेक्शन लड़ा, फिर 2002 से फिर रेगुलर ये जो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। आई मीन बीइंग अ यंग डॉक्टर, नए नए आप डॉक्टर बने, नए नए सियासतदान भी बन गए, बड़ा ही मैं कहती हूँ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। बस वो असल में थोड़ा सा मैंने बताया ना कि हमारा जो देहातों में एक सेटअप होता है कि जमींदारों के डेरे शेरे चलते हैं, लोगों के जो काम शाम है वो एक लोगों की तवक्कुआत होती है वहाँ पे, जो अल्लाह ताला जिनको इज्जत देता है। तो उस तरह का मेरा एक सिस्टम सेटअप बना हुआ था। जब मैंने बैठना शुरू किया तो लोगों ने भी आना शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली, जैसे होता है कि दुकान कोई खुलती है तो ग्राहक आने लग जाते हैं। तो पेशेंट बन के लोग आते थे या फिर अपने जनरल मसाइल लेकर आते थे? मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ तो उसमें भी मुझे डुअल एडवांटेज था कि पेशेंट भी होते थे और उनके अपने थाने कचहरी के काम भी होते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑन अ लाइट नोट, कभी ऐसे नहीं होता कि अगर आप बैठे हुए अपने डेरे पे और कोई हल्के का कोई शख्स आया अपना कोई मसला लेके, कोई जमीन का कोई इशू हो गया और एकदम से कहे डॉक्टर साहब दिल की बीमारी भी है? नहीं, बिल्कुल इस तरह अक्सर औकात होता है, लोग आएंगे पहले अपना बताएंगे कि मेरा फलाने थाने पे मसला है या फलाने पटवारी को तहसीलदार को कहना है, तो वो चिट रुका फोन शोन जो भी करा लेंगे ना, फिर जाते जाते कहेंगे डॉक्टर साहब मेरी नब्ज भी देख दे। ये मल्टी टाइम्स इट हैपेंस। अच्छा, लेकिन जमींदारी और फिर मेडिसिन, जी वो शौक कैसे पैदा हुआ? यानी आपको तो बचपन से इसी तरह ट्रेन किया गया होगा या फिर आपने जो एनवायरमेंट अपने इर्द गिर्द देखा कि जमींदारी करनी है बड़े होकर, लेकिन फिर आप डॉक्टर बन गए? जी, डॉक्टर बनना मेरा मतलब बचपन से मेरा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और मैंने मतलब डॉक्टर बन के जितना अर्सा डॉक्टरी में काम किया तो फुल डिवोशन के लिए,
फुल डिवोशन के साथ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पेशेंट्स शुरू से मेरे पेशेंट्स हैं तो वो मुझे ही दिखाते हैं, अब भी ढूंढ ढांड के बेचारे दो दो चार चार महीने इंतज़ार करके फिर मुझे आगे दिखाते हैं कि हमने डॉक्टर साहब को दिखाना है। तो मैंने मतलब डॉक्टरी भी पैशन के साथ की है और अब सियासत भी पैशन के साथ। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस तो नहीं करते? प्रैक्टिस मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि हर वक्त लोग वहाँ पर मेरे साथ होते हैं जब मैं जाता हूँ। तो अगर मेरा अपना हॉस्पिटल अभी सेटअप है वहाँ मुल्तान में, अच्छा। मैं, हाँ जी, तो मैं अगर कभी हॉस्पिटल जाऊँ तो 150 लोग हॉस्पिटल में घुस आते हैं और साथ जो होते हैं कामों वाले और हल्के वाले, फिर वहाँ का एनवायरनमेंट खराब होता है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। एब्सोल्युटली, हाँ, बिल्कुल। तो कभी सोचा है कि और भी कहीं अस्पताल खोले आप? मुल्तान में तो है, ठीक है। मैंने जब 2008 में मैं MPA बना था तो मैंने सोचा था कि यहाँ असम्बली बिजनेस के बाद, क्योंकि उस वक्त मॉर्निंग के सेशन होते थे तो असम्बली बिजनेस के बाद तो शाम की कोई एक्टिविटी ढूंढनी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे जहाँ केवलरी के करीब रहते थे वहाँ एक हॉस्पिटल में गया भी सही, उनको बताया कि यार मैं अच्छा खासा डॉक्टर हूँ तो मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि आ जाएं। तो फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ। जो आपकी मसरूफियात हैं, जो एंगेजमेंट्स हैं आपकी, तो आपने स्पेशलाइज किया किसी चीज में? जी, मैंने सर्जरी में काम सर्जरी में किया है, पार्ट वन भी दिया था और करना भी इसी में चाहता था सर्जरी में, और हॉस्पिटल में भी काफ़ी काम यही इसी में किया हुआ है। इवन निश्तर में 2 साल इमरजेंसी में मैं रहा हूँ, इमरजेंसी वार्ड के हम वहाँ करे हैं, तो सर्जरी में किया था। लेकिन बस फिर वो ट्रैक चेंज हो गया ना, ट्रैक चेंज हो गया, फिर आप अवाम की सर्जरी में मदद करते थे, अब अवाम हमारी सर्जरी करती है। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब के साथ प्रेस सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ, 1 साल हो गया है मुझे। जिस तरह वो महकमे को लेकर चल रहे हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त लाइजॉन और कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन द ऑफिस एंड द मिनिस्टर और हमारी जो ज़ेली इदारे हैं उनके CEOs कंपनीज हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अभी तक का सफ़र रहा है। डॉक्टर साहब, जब आप जाते होंगे सुबह असेंबली तो उधर बाकी जो अरकान है तमाम जो बड़े खुश रहते होंगे, तसल्ली में रहते होंगे कि डॉक्टर साहब इधर हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो फौरन इलाज हो जाएगा। अक्सर ऐसा ही होता है कि गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं तो किसी को कोई मसला होता है तो वो कहते हैं नहीं, कोई फिक्र ना करें, डॉक्टर साहब हमारे साथ। तो असेंबली में भी बड़ी वो सुकून रहता होगा कि आप हैं तो चले, खुदा ना ऐसा कोई इमरजेंसी हो जाए। एक दो दफा वहाँ पे वाकयात हुए हैं ना जी, कोई ऐसे एक हमारे MPA फेंट हुए हैं तो मैं उधर ही था, तो मैंने देखा, मैंने कहा परेशान ना हो, ठीक है, पल्स सेल्सन की भी तो इतना तो अंदाजा हो जाए। नहीं नहीं, कोई गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से। फायदा तो होता है जी। अच्छा, अब आप बुजदार साहब की कैबिनेट का हिस्सा जी, जी कैसा लग रहा है? एज ए ह्यूमन बीइंग उस्मान बुजदार साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि उन्होंने तो अपना काम डिवाइड किया हुआ है कि अब फर्ज करें मेरे पास एनर्जी का पोर्टफोलियो है, अब मैं ना परफॉर्म करूँ तो उसमें बुजदार साहब पे कोई एलिगेशन नहीं आती, और मैं अगर करता हूँ तो उसमें बुजदार साहब को एडवांटेज ज़रूर हो सकता है, और नहीं करता हूँ तो फिर ये अपना मेरा फॉल्ट है कि मैं क्यों नहीं कर रहा। और बुजदार साहब के जो कैबिनेट में मेंबर हैं, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये मतलब ऑन एयर बताना चाहता हूँ कि जितनी लिबर्टी बुजदार साहब की कैबिनेट में लोगों के पास है काम करने की, शायद पहले नहीं होती होगी। राइट, डॉक्टर साहब, ठीक है, सबकी इंडिविजुअल पोटेंशियल कैपेबिलिटीज देख के ठीक है ये बात समझ आती है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जितने भी वज़रा का सूबाई असम्बली में इंटरव्यू कर चुकी हूँ अब तक इस हुकूमती दौर में, जिस वजीर से पूछती हूँ कि बुजदार साहब कैसे हैं, वो सबसे पहली बात ये करते हैं इंसान बड़े अच्छे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आई वुड लाइक टू हेयर मोर ऑफ्टन के काम बड़ा अच्छा करते हैं, ऐसा कि नहीं कोई कहते। अगर देखिए, हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हमें ये नहीं होता कि हफ्ता हफ्ता महीना महीना इंतज़ार करना पड़ता है। जब हम चाहते हैं CM साहब को मिलना है, हम जाके मिलाते हैं। बड़ी फाइलें जाके अच्छा, रुकती जाती हैं? नहीं, मेरे ख्याल नहीं रुकती, मेरी तो कोई फाइल नहीं रुकी कभी। और सुना ब्यूरोक्रेट्स नहीं ताबुन करते? नहीं, वो तो शायद ऑफिस के इश्यूज हो, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का इशू है।
देखिए वो कुछ चीज़ें होती हैं, बंदा हार्श होके भी काम करवा सकता है, कुछ पोलाइट होके भी काम करवा सकता है। तो बुज़दार साहब बेसिकली इज अ पोलाइट पर्सन, और वो लोगों को तो चलेंगे पीछे रख देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लेकिन वर्किंग पोटेंशियल, वर्किंग देखिए वर्किंग में आई लाइक टू नो। जी जी, मैं वर्किंग उनकी ये मैं आपको बताऊं कि सुबह से शुरू होते हैं। अगर फर्ज करें मैं भी होता ना उनकी जगह, तो इतना टाइम मैं मतलब जो पेशेंट्स के साथ वो लोगों को सुनते हैं और पूरी मीटिंग्स कन्वीन करते हैं और लोगों को गाइडेंस देते हैं, शायद मैं भी ना कर सकता। और वो अच्छा बोलते हुए हमने बड़ा कम सुना लेकिन ये कि वो मीडिया पे काम आते हैं, लेकिन ये कि मैं मीडिया पे काम आते हैं, लेकिन ये कि अपनी जो डिपार्टमेंट्स की मीटिंग है उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। आप अगर मैंने साल पहले उनको कोई बात की हुई तो मैं साल बाद गया हूं तो उनको वो वर्ड टू वर्ड याद हो। हाँ जी, हाँ जी, मैं हमारा तो इंटरेक्शन है तो मैं तो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये असल में जो चीजें हैं ना, कुछ आप देखें इस असेंबली की एक साल में 40 के करीब हमारे बिल पास हो गए हैं, रिकॉर्ड में नहीं हुए। मुबारक। 40 बिल पास हुए हमारे लेजिस्लेशन के जी। और ये पूरी जो 75 साल तारीख है पाकिस्तान की उसकी रिकॉर्ड नहीं है, ये इतने बिल एक साल में पास है। और 40 के करीब हमारे मतलब पाइपलाइन में है जो बिल है लेजिस्लेशन के। लेजिस्लेशन के अलावा आप देखें जो इकोनॉमिकल क्रंच हमारे पास हमें मिला था विरसे में कि 1300 अरब की ये हुकूमत मकरूज मिली थी, अब वो पहली इस सहमाई में सरप्लस में गई है 75 अरब की इस सहमाई में। अब ये चीज़ें कुछ हुई हैं बेहतर। और तीसरी जो बड़ी मेन चीज़ है वो आपको मैं मतलब ये मुझे बताते हुए फख्र महसूस होता है कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेगा स्कैंडल नहीं, कोई साथ उनके वो जो कैंप ऑफिस हैं वो नहीं, कोई अलल्ले तल्ले नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं है। हाँ, मैं कहता हूँ ना कि इस तरह के वो है कि मतलब आपके पास पावर्स आ जाए तो कोई ना कोई मिस यूज करना शुरू कर देता है। आज जो डिपार्टमेंट ने गेट टुगेदर का एहतमाम किया है जिसमें हम आउटगोइंग ऑफिसर्स को डॉक्टर परवेज साहब को और आमिर साहब को एक फेयरवेल दे रहे हैं और इनकमिंग ऑफिसर्स को वेलकम कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी कोर टीम इकट्ठे बैठ के आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का काम यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको टेक्निकली इनपुट देना और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसकी फार्मुलेशन में मदद करना और वंस दी पॉलिसीज आर फार्मुलेटेड बाय दी लेजिस्लेचर उनको इम्प्लीमेंट करना। आज का फंक्शन इस बात का जामिन है कि इसमें हमारे मिनिस्टर साहब और तमाम मिनिस्टर एनर्जी, मैं पहले सेक्रेटरी एनर्जी था, मैं सेक्रेटरी पॉपुलेशन हूँ, तो आज इस संदर्भ में रखा गया है कि हम मिलकर बैठें और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें। एनर्जी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं डॉक्टर अख्तर मलिक, उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया हमें दिया कि जो जाने वाले अफसर हैं जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनको फेयरवेल दिया जाए और जो आने वाले अफसर आने हैं उनको वेलकम किया जाए। तो हम सबको ये तजवीज़ बहुत अच्छी लगी और हम सब बड़े शुक्रगुजार हैं कि इस वजह से हमारे मिनिस्टर की जो सजेशन थी उसके ऊपर हम सब आज इकट्ठा हुए हैं। ऑरेंज लाइन हो गई, रिंग रोड का फेज 3, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक समझ लें कि स्टार्ट नहीं हुए, उसके इफ्तिताह के लिए इनॉग्रेशन के लिए तकरीबें हुई, सब मिनिस्टर्स सीएम बुज़दार साहब पहुंचे वहां, लेकिन ये चीज़ें आगे बढ़ते हुए नहीं नजर आई। हम 2020 में आ पहुंचे, ऐसा क्यों, इतनी वो फास्ट ट्रैक मूवमेंट नहीं नजर आ रही। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये तो बड़ा जुल्म करके गए हैं जो माल्टा ट्रेन बना कर गए हैं, ये सी पैक की जो ये माल्टा ट्रेन बनाई है इन्होंने, ये सी पैक को डी ट्रैक किया बेसिकली, तो ये इट वाज द पार्ट ऑफ सी पैक। ये सी पैक को रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए असल में सी पैक को जो हुआ था वो इन्होंने इस पे अपनी उनकी अपनी वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकती है या 27 किलोमीटर पे 300 अरब यहाँ पर लगा कर चले गए हैं।
अब लगा कर जब गए हैं तो हम तो नहीं चाहते कि ये कौम का पैसा है जो एक लोन का पैसा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वापस करना है, अल्टीमेटली अवाम पर बर्डन आना है कि उनका पैसा लगा हुआ हम ज़ाया करें। अभी उसकी जो टेक्निकल जो उसकी टेस्ट ड्राइव थी उसमें मैं भी था, इसके लिए 3 महीने उनको मैंडेटरी चाहिए उस टीम को। ये ऑफिशियली इसको हमने टेक्निकल टेस्ट ड्राइव करके इसको इफ्तिताह कर दिया है। अब 3 महीने उसको जो कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कर रही है उसको 3 महीने चाहिए, 3 महीने उनके लिए मैंडेटरी है। हाँ मतलब मेरे ख्याल 1 महीना तो हो गया इसको, शायद और 2 महीने होंगे, जनवरी फरवरी मार्च मार्च में ये इसकी जो कमर्शियल वो है ऑपरेशन वो शुरू हो जाएगा। ये 3 महीनों में इन्होंने अपनी इसकी टेस्टिंग करनी है बकायदा। इसमें अब होना ये है कि इस पे 5 अरब सब्सिडी देनी पड़नी है तब आके ये चलनी है। अब इन्होंने जितने प्रोजेक्ट लगाए हैं चाहे वो मेट्रो बस के हो ऑरेंज ट्रेन के हो, ये सारे सेल्फ सस्टेनेबल कोई नहीं लगाया, और जो मंसूबा सेल्फ सस्टेनेबल हो ना हो उसका फ्यूचर तारीख होता है। अब ये चीज़ें हैं जो कौम पर बर्डन है, जैसे पहले खजाना खाली था, मजीद उस पर बर्डन आएगा तो लोगों की चीखें निकलनी है। गवर्नमेंट यही चाह रही है कि लोगों को तकलीफ भी ना हो और उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं हम डेवलप करवा दें। आपको ये लगे हाथों में और भी बताता चलूँ, ये पहली हुकूमत है जिसने कोई $11 अरब के करीब कर्जा वापस किया है। ये इनके पुराने कर्जे लिए हुए थे, इस हमारी हुकूमत ने वापस किए हैं, उसमें हमारी तो कोई उसमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी ना हमने इनसे लिए हुए थे पुराने कर्जे, और ये पहली हुकूमत है तारीख की कि जिसमें ये कर्जे वापस हुए हैं। और इन हालात के बावजूद आज कल परसों आप फिगर आपने पढ़ी होगी, जो हमारे रिजर्व हैं वो $18 अरब के करीब हो गए हैं, आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके रिजर्व बेहतर हो गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब चलें तो बहुत सख्त किस्म की सीरियस बातें हो गई, पता नहीं कहाँ से सीरियसनेस शुरू हुई। अब ये जो आप इतना भारी भरकम मिनिस्ट्री का बोझ उठाए हुए हैं, इसमें नई इनोवेशन बड़ी आई है गुज़िश्ता कुछ सालों में, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, सोलर, विंड। सोलर जितना मैं देख रही हूँ पर्सनल जाती तौर पर मैं देखती हूँ सोलर पैनल्स बहुत जगहों पे इंस्टॉल हो गए, लेकिन सोलर ड्राइव को मजीद और तरजीह देने की ज़रूरत है। उसके लिए एज द प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर एनर्जी आप क्या इकदाम ले रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो जब मैंने ये पोर्टफोलियो संभाला हमने पहला कदम ये उठाया कि इम्पोर्टेड फ्यूल पे कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे हमारी, जो क्योंकि इम्पोर्टेड फ्यूल पे आपका पैसा बाहर जाता है, मुल्क पर बर्डन होता है। हमने जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, जो हमारे मुल्क में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनसे हम इंशाल्लाह मुल्क और कौम की ज़रूरत पूरी करेंगे। तो उसमें हमारे पास सबसे जो बेहतर सोर्स है वो सोलर का है, और सोलर के लिए आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हमने कोई 11,000 स्कूल ये सोलर पे इंशाल्लाह 6,000 को फिगर को तो हम क्रॉस कर गए हैं। प्राइमरी स्कूल जो ऑफ ग्रेड वाले हैं वो प्रायोरिटी थी वो कर रहे हैं हम, 60 को यूनिवर्सिटी हैं उनके उनको सोलराइज करवा रहे हैं, कोई 16 के साथ हमारे MOU साइन हो गए हैं। हम डोमेस्टिक सोलर सॉल्यूशन पर एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जो गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडाइज करके ये सोलर पैनल्स इंशाल्लाह देगी। ये तो बहुत अच्छा है। और एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स पे हम ये सोलर की पॉलिसी एक ला रहे हैं। अच्छा। कि जिसमें हम जिम्मेदारों को इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 महीने को हम फाइनल कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसी कोई चीज नहीं आपने सोची एनर्जी के इस नए इनोवेटिव तरीका जिससे सोलर ऑफकोर्स हम सब कहते हैं पैनल्स देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया जाए और मजीद प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लोग इसको अगेन प्रायोरिटी देना शुरू। बिल्कुल, जो हमारा डोमेस्टिक सोलर सॉल्यूशन है हमने उसमें जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। आप ये देखें कि जो यूनिवर्सिटियों में हम सोलर लगा रहे हैं, हमारा ये UET में इंशाल्लाह मार्च में मुकम्मल हो जाएगा, मैं आपको इनवाइट करूंगा, 2 MW का हम उनको लगा कर देंगे। That's right. और उसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं इन्वॉल्व है, हमने उनको जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लोगों को इनवाइट किया है और उनको कहा है कि वहाँ पर लगाएं सोलर यूनिट लगाएं और यूनिवर्सिटी को बिजली बेचें। अब उसमें फ़ायदा ये हो गया है
कि जो 22 रुपए यूनिट पे 22 रुपए का एक यूनिट यूनिवर्सिटी खरीद रही थी वो उनको 7 और 8 रुपए में पड़ जाएगा और उस पर पैसा भी गवर्नमेंट का कोई नहीं लगना और सारी चीजें वही करके दे गए। इस तरह की चीजें हम खुद प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। आज हमने देखी थी खबरों में भी कुछ आई डोंट नो आई थिंक कुछ हफ्ते पहले या महीने पहले आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली लेकिन आपकी मीटिंग हुई थी कुछ चीनी इन्वेस्टर्स से। चीनी आए हुए थे, चीनी आते हैं मीटिंग करते हैं लेकिन आगे कुछ नतीजा खास नहीं नजर आता, कुछ हुआ इस दफा? देखिए मैं कहता हूँ जो हमारी जो स्कूलों की सोलराइजेशन है वो भी चाइनी कंपनी के साथ हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया था। अब मैं खुद चाइना भी गया था, मैंने उनकी जो मेन कंपनीज है उनको खुद इन्वाइट किया कि आए पाकिस्तान में सोलर इंडस्ट्री लगाएं क्योंकि पाकिस्तान में सोलर का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। Absolutely. आपको 3 फेज जो मीटर है उनको नेट मीटरिंग अलाउ है, आपकी छतें खाली खाली पड़ी हैं, आप यहाँ पे बिजली बनाएं और अपना सिस्टम में शामिल करें, घर भी इस्तेमाल करें। चीनियों के साथ वो 2-3 पार्टीज हमारे पास आई हुई है, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जैसे हमारी फैसलाबाद हमारी ये इंडस्ट्री एस्टेट बन रही है तो उसमें आए जगह देते हैं, आप यहाँ पे यूनिट लगाएं। और दूसरा जो मेन चीज हम करने जा रहे हैं कि लेजिस्लेशन करके जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है जो कहीं से स्मगल होके आ जाता है और जिसका रिजल्ट नहीं आता, जिसकी वजह से लोगों में एतमाद का फुकदान है कि ये सोलर भी एनर्जी का सोर्स है, तो वो उसको हम कैटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है ये खत्म हो जाएगा, हमारी एसी टेस्टिंग लैब है। मतलब हमारा जो एक साल हमने मेहनत की एनर्जी डिपार्टमेंट की, तो मैं किस दिन चाहूंगा आपके साथ पूरी जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ और कौम के साथ शेयर करूं। ऑब्वियसली देखे ना, एनर्जी डेफिसिट जब भी होता है, जब भी ये बहरान आ जाता है, उससे पंजाब में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है पाकिस्तान का, वो सबसे ज्यादा मुतासर होता है इसकी वजह से। जी एनर्जी 60% जो पाकिस्तान की है वो तो यूज ही अपना पंजाब करता है। एब्सोल्युटली, तो और हमारी इंडस्ट्री भी 60% है, हमारी पॉपुलेशन भी 60% है, तो इस तरह एनर्जी जो कंज्यूमर है और पंजाब हुकूमत की अभी एनर्जी प्रोडक्शन में भी काफी शेयर आ गया है। 2900 ये मेगावाट हम इसमें सेंट्रल सिस्टम में शामिल करें जो पंजाब की तरफ से है। हमारे बाकी जो स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी अंडर प्रोसेस हैं, 2 हमने शुरू कर दिए हुए हैं, 2 अभी इंशाल्लाह इस साल कुछ फंक्शनल हो जाएंगे। हमारे बायोगैस और सोलर के 2 हमारे 2 पायलट प्रोजेक्ट हमने 2 गांव शुरू किए थे, मैं कल जा रहा हूँ समुंदरी में हमारा, तो वो भी हमने देखना है और उनको हम रेप्लिकेट करेंगे। हम मेरी तो ज़ाती तौर पर ख्वाहिश है और उस्मान बुज़दार साहब की है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट करें। दार साहब का नाम जो लिया ये बात करते हुए कि वो भी आपके साथ जाएंगे, मुझे याद पड़ता है जब वो सीएम बन रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी स्ट्रेंथ्स में एक चीज कही कि जिस इलाके से उनका ताल्लुक है ऑफ कोर्स वो अंडर डेवलप्ड है, उनके तो अपने घर में बिजली नहीं है। बिल्कुल, उनके घर में बिजली आ गई। जी बिल्कुल, उनके घर हमने वहाँ पे भारतीय उनके गांव में एक स्कूल है, हाई स्कूल, उसको हमने सोलराइज कर दिया। अपने जाती घर में आ गई, उनके घर भी आ गई बिजली। चले ये काम आपने कर दिया, ये उनके घर भी बिजली चली गई, बल्कि वो जो एरियाज थे जो हमारे ऑफ ग्रिड हैं जहाँ पर बिजली की लाइनें नहीं है, कुछ 300 के करीब आबादियां हैं, वो हम उनको भी सोलराइज कर रहे हैं साउथ पंजाब। तो बड़ी अच्छी खबर है और बहुत अच्छा, इंशाल्लाह इसका बड़ा इम्पैक्ट जाएगा उन लोगों पर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे पूछूंगी, एक चीज हम जनरली कौमी असेंबली में भी देखते हैं, सूबाई असेंबली में भी देखते हैं, लोग अपनी फिटनेस वगैरह का ख्याल नहीं रखते। जितने भी मेंबर्स हैं आपके, प्रोविंशियल के हो जाएं, आपके सूबाई के हो जाएं या फिर कौमी असेंबली के हो जाएं, तो आप इन्हें समझाते वगैरह नहीं है कि देखिए अपना ख्याल रखें, कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं, क्या क्या होता है, आपको देख के कुछ होता नहीं उधर कि क्या हो रहा है? वैसे ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, मैं असेंबली में इस पे बिल लाता हूँ, लेकर आया इस पे बिल। असेंबली में जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाएं
लेकिन आपको घबराहट नहीं होती हालात देख के? नहीं, मुझे होती है, लेकिन यकीन माने मैं अभी आपने ये बात कर दी, ऊंचा बोल जाए तो ब्लड प्रेशर का इशू हो जाए, कुछ खुदा ना करे इशू ना हो जाए। मैं हॉस्टल में भी रहता हूँ, एमपी हॉस्टल में मेरे पास कमरा है, तो मैं वहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनको मैं साल से कह जा रहा हूँ कि वहाँ पे यार एक छोटी सी जिम बना दो, और हमारा जो हॉस्टल का वहाँ पे माहौल, मैं तो पहली दफा जब गया वहाँ पे तो ऐसे लगता था किसी जंगल बियाबान में आ गए, इतने बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और गंद खराबा और ये सारी चीजें, वो अंदर से तो काफी बेहतर करवा दिया उन्होंने। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स की अपनी कॉलोनीज होती हैं, जीओआर है या और है, उनमें फैसिलिटीज हैं, अगर ये पार्लियामेंटेरियंस भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा है तो उनकी फिटनेस और उनके प्रॉब्लम्स कोई बाकी दुनिया से अलग तो नहीं है, और ये तो बड़ा मजलूम तबका है पॉलिटिशियन का, मैं इतना मजलूम तबका है। मैंने उसको कहा है अपने मिनिस्टर स्पोर्ट्स को, और उन्होंने वादा भी किया कि इस दफा मैं फंड रखवा के ना वहाँ पे लगवा दूंगा। बिल्कुल, मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह करवा के छोड़ूंगा जी। डॉक्टर साहब, लेकिन आप तो अपना ख्याल रखते होंगे फिटनेस वाइज? जी, मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं जिम शिम जाता हूँ जी। जिम भी जाता हूँ? हाँ, जिम जाता हूँ। ये तो टाइम मिलता है तो सबको भी सीखना चाहिए। हाँ, देखें जी, मैं समझता हूँ कि पूरा दिन आप काम करें ना, एक घंटा अपने रिजात के लिए जरूर निकालना चाहिए, अपनी जात के लिए, जो आपका वो अपना टाइम है उसमें आपको जो जो मेंटल रेस्ट मिलता है, जो फिजिकल रेस्ट मिलता है, फिजिकल तो नहीं होता जिम होती है, लेकिन जो मेंटली आप रिलैक्स जो हुआ जिम में फील करते हैं, वो पूरे मुल्क घूमले नहीं होता ये। चलिए, काश पाकिस्तान समझ आ जाए, क्योंकि उनके फायदे की बात है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, एंड अगेन मैं कहूँगी कि दुआएं साथ हैं ताकि चीजें बेहतर हों, एंड इंशाल्लाह जितने आप नए प्रोजेक्ट्स का सोच रहे हैं वो अच्छे तरीके से, कह लीजिए, इनॉग्रेशन के बाद चल पड़े। नहीं, इंशाल्लाह हम ज्यादा सोलर नजर आए जी, इंशाल्लाह। देखिए, मैं एक बात यहाँ पे आपके वसातत से कहना चाहता हूँ कि जब हर पाकिस्तानी ये फील करना शुरू कर देगा कि ये मुल्क मेरा है, इसकी हर चीज मेरी है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर बंदे ने काम करना है, तो तब मुझे यकीन है 100% कि ये मुल्क हमारा पीछे नहीं रह सकता। इसी तरह हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट है, जब आप कहेंगे कि हम बिजली सेव भी करें और बिजली बनाएं भी सही, मैंने तो नारा भी चेंज कर दिया ना, कि पहले कहते थे बिजली बचाएं अपने लिए कौम के लिए, मैं अब कहता हूँ कि बिजली बनाएं अपने लिए और कौम के लिए। तो ये सोलर के जरिए आप बनाएं, नेट मीटरिंग हम इनके फ्रंट डेस्क बना रहे हैं, अब डिस्को में हम हमारा डिपार्टमेंट का बंदा वहाँ पर खड़ा होगा, इनको सपोर्ट करेंगे, ये एक कदम उठाए इंशाल्लाह हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट 10 कदम उठाएगा इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा नई ये चीजें डिस्कवर करके कि एनर्जी मिनिस्ट्री क्या कर रही है सूबे में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।